ओके okay, अगला सवाल ये है द डायमीटर ऑफ टू गिवन सर्कल्स आर इन द रेशियो 12 टू 5 एंड द सम ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 65 सेंटीमीटर व्हाट व्हाट आर देयर डाई ठीक है तो दो द डायमीटर ऑफ टू गिवन सर्कल्स ठीक है तो दो गिवन सर्कल्स हैं रेशियो ठीक है तो सपोज एक ये सर्किल है और एक ये सर्किल है तो एक का डायमीटर क्या है ट्वेल्व एक्स आप कॉमन मल्टीपल ले लेंगे एक का क्या होगा ठीक है ओके एंड ओके ठीक है तो सिंपल है इसमें कोई दिक्कत नहीं है सो so, आपसे क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है एंड द सम ऑफ देर एरियाज इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ ऑफ डायमीटर सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर ठीक है ऐसे बोल रहा है सो व्हाट आर देयर रेडाई ठीक है आपसे पूछ रहा है रेडाई क्या होगा ठीक है तो रेडाई में देखो रेडाई विल, तो विल भी अगर मैं रेडाई का रेशियो लूँ तो इट विल भी ट्वेल्व टू फाइव ठीक है ओके क्योंकि रेडाई विल भी नथिंग बट रेडाई इसका हाफ हो जाएगा दिस विल गोइंग टू बी सिक्स सिक्स एक्स दिस विल गोइंग टू बी फाइव बाई टू एक्स ठीक है तो उसका अगर मैं रेशियो लूंगा तो दैट तो तो विल बी अराउंड ट्वेल्व टू फाइव ओनली बट द थिंग इज दैट कि आप ऐसे नहीं ले सकते यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है ठीक है वैल्यू निकालने के लिए आपको तो इसको तो सॉल्व तो करना तो पड़ेगा सिक्सटी एंड ट्वेंटी फाइव ठीक है जो भी होगा ट्वेल्व और फाइव के मल्टीपल में ही होगा ठीक है ट्वेंटी uh, फोर और टेन भी हो सकता है सिक्सटी और ट्वेंटी फाइव भी हो सकता है लेकिन डी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि डी में थर्टी और ट्वेल्व पॉइंट फाइव है वो uh, चलो करते हैं इसको पहले ठीक है इसको सॉल्व करते हैं सो so, uh, हो सकता है हो सकता है डी भी चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले इसको सॉल्व करने के लिए द डायमीटर्स ऑफ टू गिवन सर्कल्स हमने ले लिए हैं और तो रेडियस इसका रेडियस आर वन कितना देयर एरिया इसका एरिया कितना हो जाएगा इसका एरिया मैं निकाल लेता हूँ इसका एरिया पाई आर स्कवायर सो सिक्स एक्स का होल स्क्वायर इसका एरिया टू बी पाई फाइव एक्स बाई टू का होल स्क्वायर ठीक है अब आपसे क्या बोला है कि अगर आप इनके एरिया को सम करोगे तो सम ऑफ देर एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ़ डायमीटर 65 तो एक सर्किल है जिसका डायमीटर 65 है इसका एरिया कितना जाएगा पाई 65 फाइव बाई टू का होल स्क्वायर तो अगर मैं इन दोनों के एरिया को जोड़ू ये दिया है पाई सिक्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस पाई फाइव एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर विल गोइंग टू गिव मी पाई सिक्सटी फाइव बाई टू का होल स्क्वायर ऐसा दिया है ठीक है हाँ आपसे क्या कहा है द सम ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 65 बस आप पाई कॉमन ले लीजिए पहले सबसे पहले तो इफ़ यू विल टेक पाई कॉमन यहां पर आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई सिक्सटी फाइव बाई टू का होल स्क्वायर पाई से पाई तो कैंसिल कर दिया हम लोगों ने ठीक है वी हैव कैंसल्ड पाई ओके पाई से पाई कैंसिल हो गया तो so, यहाँ पर आ जाएगा दिस विल गोइंग टू बी अच्छा ये ये सिक्स एक्स का होल स्क्वायर है ठीक है सिक्स एक्स का होल स्क्वायर है सो इट विल गोइंग टू बी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इट विल गोइंग टू बी फाइव फाइव जैड ट्वेंटी एक्स स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव इन सिक्सटी फाइव अपॉन फोर ठीक है तो हम जब फोर एल सी एम लेंगे इफ आई टेक फोर एल सी एम ठीक है तो ये आ जाएगा थर्टी सिक्स इंटू फोर विल गोइंग टू गिव यू सिक्स फोर ट्वेंटी फोर कैडिट टू दिस विल गोइंग टू गिव यू वन फोर्टी फोर ठीक है वन फोटी फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव इंटू सिक्सटी फाइव अपॉन फोर फोर से तो फोर कैंसिल हो गया ठीक है तो ये तो अब ईजी हो गया तो यहाँ से आ जाएगा वन सिक्सटी नाइन एक्स स्क्वायर ना 169 x square is equal to 65 into 65 और यहाँ से x square आ जाएगा 65 into 65 upon फाइव uh, अपॉन ठीक है तो x कितना आ जाएगा रूट करूँगा तो 65 by 13 आ जाएगा ठीक है ऊपर 65 65 दो हैं तो uh, पेयर है एक आ जाएगा और 13 का स्क्वायर होता है 169 ठीक है ओके ठीक है चलो तो यहाँ से थर्टीन फाइव जा तो एक्स आ गया फाइव थर्टीन फाइव इज सिकटी फाइव तो एक्स फाइव आ गया है, जैसे ही एक्स फाइव आया इसका मतलब अब आप इजली डायमीटर निकाल सकते हो तो ये डायमीटर कितना जाएगा ट्वेल्व फाइव जै सिक्सटी सेंटीमीटर और ये कितना जाएगा ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ठीक है और आपसे क्या पूछा हुआ है आपसे रेडियस पूछा हुआ है तो ये रेडियस कितना जाएगा इसका रेडियस विल बी हाफ ठीक है इसका रेडियस इसका हाफ कितना जाएगा थर्टी सेंटीमीटर और इसका रेडियस हाफ कितना हो जाएगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सो डी इज द राइट आंसर